everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again, I'm back with a new video and this is a part 2 of PCV. इससे previous video में हमने बताया था कि PCV क्या होता है, कैसे आप PCV को measure करते हैं. आज के इस video के अंदर हम बात करेंगे what is the significance of PCV, क्यों कराना है PCV, क्या फायदा है. दूसरा, इसके नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है और पीसीबी में अगर वेरिएशंस आते हैं, अगर पीसीबी कम या ज्यादा आता है तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि मेरी पेशेंट को क्या हो सकता है. तो यहाँ पर हम बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं क्योंकि हम फिजियोलॉजी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं. जब आप आगे जाके और पढ़ोगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वगैरह में तो आपको और डिटेल में काफी कुछ मिल जाएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, फायदा क्या है पीसीबी कराने से. तो पीसीबी कराने से आप एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं. अगर आप पीसीबी करा रहे हैं तो पीसीबी मैंने आपको बताया था क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम. दैट मींस हमें पता चलता है कि प्रॉपर जितना ब्लड है, मान लो ये एक मार्कर है, मतलब इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, इस ब्लड में कितना प्रपोर्शन है आरबीसी का, हम ये जान पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज. सो अगर आता है आपका जो एनीमिया है, अगर कम आता है, सॉरी, अगर पीसीबी जो है अगर वो कम आता है दैट मींस एनीमिया है. अगर पीसीबी ज्यादा आता है दैट मींस पॉलीसाइथीमिया है. पॉलीसाइथीमिया, पॉली मतलब ज्यादा, साइथीमिया मतलब कि जो सेल्स हैं वो ज्यादा हो गई हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ज्यादा है. या फिर डिहाइड्रेशन रिकवरी को हम इसे डिटर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी जब हम आएंगे इसके वेरिएशन पे. नाउ व्हाट आर दी नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पीसीबी. तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीबी इज मेल में ज्यादा होती है 42-45% और फीमेल में होती है 38-42%. इट इज जस्ट अपोजिट टू ईएसआर. हमने ईएसआर पढ़ा था, ईएसआर हमने पढ़ा था एमएम में, ठीक है. और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ईएसआर किसका मिलता है, सबसे ज्यादा ईएसआर होता है फीमेल्स में. क्यों फीमेल्स में ज्यादा ईएसआर होता है, क्योंकि उनमें ब्लड कम होता है, ठीक है. इसलिए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट उनका सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था मेल्स का होता है ईएसआर और फिर होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है. तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा. तो ध्यान रखना बस कि पीसीबी जो है वो ईएसआर के जस्ट अपोजिट में है. ईएसआर हम एमएम में मेजर करते हैं, इसके लिए दो ट्यूब्स होती है. पीसीबी में हम सिर्फ एक ही ट्यूब यूज करते हैं, दिस इज द वेस्टिबियन ट्यूब. और इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका परसेंटेज में, ठीक है. तो फीमेल्स में पीसीबी कम होता है, मेल में ज्यादा होता है. नाउ नेक्स्ट इज द वेरिएशंस इन पीसीबी. तो क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, अगर इंक्रीज आ रहा है, अगर पीसीबी ज्यादा आ रहा है दैट मींस पॉलीसाइथीमिया है, मतलब कि बॉडी के अंदर पानी जो है, जो फ्लूइड है वो कम है और आरबीसी सेल्स ज्यादा हो गए, मतलब कि ब्लड के अंदर आप देखोगे, ब्लड के अंदर क्या होगा, जो हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बेसिकली आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये ज्यादा है और फ्लूइड मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम प्लाज्मा कम है. तो ऐसी कंडीशंस में ये पीसीबी ज्यादा आता है, इंक्रीज आता है. और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, इसीलिए यहां लिखा था डिहाइड्रेशन रिकवरी डिटर्मिनेशन में हम पीसीबी का यूज करते हैं. अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, हम उसका पीसीबी करेंगे और धीरे धीरे जब हम उसका ट्रीटमेंट पे होंगे तो हमका उसका पीसीबी चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमें यह पता बॉडी के अंदर कितना पानी है. तो हम इस मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है फ्रॉम दैट डिहाइड्रेशन. नाउ नेक्स्ट, अगर डिक्रीज होता है पीसीबी दैट मीन्स पेशेंट को है एनीमिया, मतलब अभी बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो कम है, आरबीसी कम है और फ्लूइड ज्यादा है, तो एनीमिया है. डिक्रीज होता है तो प्रेगनेंसी में भी एनीमिया हो जाता है. आपने कॉमनली सुना होगा प्रेगनेंसी में एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो ज्यादा मात्रा में फ्लूइड होता है, ठीक है, इसीलिए. तो प्रेगनेंसी में सबको पता है नॉर्मली प्रेगनेंसी में एनीमिया हम पढ़ते ही हैं. सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिवर से ऐसे बहुत सारी चीजें होती है लाइक फेरेटिन वगैरह जो कि सिक्रीट होता है. आयरन का काफी रिलेशन है विद द लिवर, आगे जाके आप पढ़ोगे जब कभी मैं डिटेल में कभी पढ़ाऊंगी लिवर के बारे में. सो इसीलिए अगर लिवर में कोई परेशानी, सिरोसिस ऑफ लिवर में बेसिकली क्या होता है ना, जो लिवर का पूरा लोब्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं. आपने अगर कभी देखा होगा पेशेंट को, सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट को, या अगर आपने कभी फोटो भी देखा है तो आप उसको इमेजिन करो कि उसमें लिवर ना बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सारी हेपेटिक सेल्स खराब हो जाती है. तो जब हेपेटिक सेल्स खराब हो गई तो फिर आगे का फंक्शन कैसे कर पाएगी बॉडी. सो इसीलिए सिरोसिस ऑफ लिवर में हमें पीसीबी कम देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहाँ होनी चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो होनी चाहिए
इम्प्लांट होनी चाहिए यूट्रस के अंदर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी या तो फैलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो गई या फिर ओवरीज में या कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हो सकती है, पर मोस्ट कॉमनली माना जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उतना एरिया नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये अजीब सा बन गया है तो इसको झेल लेना, ठीक है, ओके। सो दिस इज द, अब नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी, यहां पर बेटा इम्प्लांट होती है, ठीक है, इन द फंडस ऑफ द यूट्रस, बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी यहां पर इम्प्लांट हो गई। अगर प्रेगनेंसी यहां पर इम्प्लांट होगी तो वो ज्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएगी, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसे केस में देखा जाता है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। पेशेंट क्या बताता है, वेजाइनल ब्लीडिंग की सिम्टम्स बताता है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अभी भी बॉडी के अंदर कमी हो रही है ब्लड की, दैट लीड्स टू दी एनीमिया, एनीमिया लीड्स टू दी डिक्रीज इन पीसीबी। सो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितना कुछ भी समझाया है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इसके अलावा मेरे और बहुत सारे YouTube चैनल हैं, तो उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे मैं सारे लिंक डाल दूंगी। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाई है रिलेटेड टू एनीमिया, उसके अलावा एल्बर्ट सिंड्रोम और ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, जिसका एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं कुछ डिसीज रिलेटेड पॉइंट शेयर कर रही हूँ। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डिसीजेस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।